हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आज को क्लास को कैरी ऑन करना चाहते हैं बच्चों। अपना ओबीजी स्पेशल नॉर्थ से 2021 क्लासेस कंटिन्यू चल रहा था, उस क्लासेस को आज और कल दो क्लासेस के ब्रेक के बाद कैरी ऑन किया जाएगा। और आज और कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ पेप्टिक अल्सर और उस पे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दो दिन के गैप के बाद यहां दो दिन स्पेशल टॉपिक आपको मिलेगा, देन फर्दर आपकी ओबीजी जो है वो कंटिन्यू और कैरी ऑन रहेगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो हमेशा की तरह फटाफट एक बार लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि उन जरूरतमंद नीडफुल सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को ये इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक मिले और जेआईएनसी किसी न किसी वे पे उनकी मदद कर सके। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक तो बनता, फटाफट क्लास को लाइक एंड शेयर करें ताकि क्लास को कैरी ऑन कर सके अपन। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट के साथ आज की क्लास और आज की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं बच्चों। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है, दैट मीन्स जो समय के साथ अपने आप को ढाल लेता है, जो वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेता है, जो सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है, डेफिनेटली वो एक दिन आगे बढ़ता है और अपने गोल के टूवर्ड्स जाता है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि वक्त अभी COVID-19 के बाद जो लगातार डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खुद को इस माहौल में अडॉप्ट कर लीजिएगा और प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के साथ अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिएगा, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट नॉर्सेट 2021 में हम अपने आप को सेलेक्ट कर पाएं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट थॉट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह जो मैक्सिमम इंक्वायरी रहती है, जो मैक्सिमम क्वेरी रहती है, उसको कैरी ऑन करके आगे बढ़ते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। Here you can see everybody, आपने लगातार हर सिचुएशन पे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की मदद करते हुए अपने जेएनसी को देखा होगा बच्चों। रामनवमी स्पेशल ऑफर कंटिन्यू है, रामनवमी स्पेशल ऑफर में नॉर्सेट 2021 और ESIC स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ड क्लासेस अवेलेबल है बच्चों। इस कोर्स में लगभग 700 प्लस क्लासेस अवेलेबल हो चुकी है और ऑलमोस्ट 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको JINC जोधपुर का नाम पुट करके प्ले स्टोर पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी के साथ लॉग इन और लॉग इन के बाद लॉग आउट करके आप परमानेंट इस इंपॉर्टेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बट सबसे खास बात, अब स्पेशल महा डिस्काउंट महा बचत चल रही है और ये 21 से लेके 23 अप्रैल 2021 तक है। इस इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इंपॉर्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट जरूर लीजिएगा। ये रामनवमी स्पेशल ऑफर है, हमेशा फ्यूचर जनरेशन के हित में सोचते हुए आपका जेएनसी लगातार आपके लिए सोचने पे मजबूर है, क्योंकि आप जेएनसी की ताकत हो बच्चों और आपका भरोसा जेएनसी की ताकत है। तो फटाफट जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार, क्योंकि यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो क्लास के साथ साथ प्रीवियस 5 ईयर का पेपर, कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, वो सब कुछ मिलेगा जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसमें OT ICU के साथ साथ रीजनिंग मैथ्स भी दिया हुआ बच्चों। तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करिएगा और ऐप डाउनलोड करके आप इस इंपॉर्टेंट कोर्स को परचेज कर सकते हो, ऑफर का ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आज की इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट इज अ पेप्टिकल सर। पेप्टिकल सर का सिंपल वे में यदि हम देखें तो इट इज इरोजन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द GI ट्रैक्ट। हमने जब GI ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, वहां पर हमने क्लियरली मेंशन किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, चार लेयर्स पड़ी थी। सबसे जो अंदर वाली लेयर थी, दैट वी कैन से म्यूकोजा, सबसे अंदर वाली लेयर जो था म्यूकोजा,
देन दूसरे नंबर पे जो लेयर थी दैट इज अ सब म्यूकोजा। द थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था बच्चों मस्कुलेरियस लेयर, और सबसे बाहर हमने पढ़ा था दैट इज अ सीरोसा। और जो ये बीच में खाली स्पेस दिख रहा है दैट वी कैन से ल्यूमन, इसको हम क्या बोलते हैं ल्यूमन। इसी के अंदर फूड मटेरियल जो है आपका ट्रबल होता है। पेप्टिक अल्सर की बात करें तो इरोजन और वी कैन से ब्रेक डाउन, इरोजन और ब्रेक डाउन ऑफ जीआई म्यूकोजा। और म्यूकोजा कौन सा है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर। कौन सा लेयर है? इनर मोस्ट लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ एससीएल एंड पेप्सिन। क्योंकि आप ये एससीएल और पेप्सिन दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। हमने पढ़ा था बच्चों एससीएल के बारे में जब बात की तो मैंने कहा पेराइटल सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेट एससीएल, और पेप्सिनोजन और पेप्सिन की बात की जब मैंने कहा चीप सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन और पेप्सिनोजन। ये ऑलरेडी हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा। तो यहाँ पर सिंपली आपको पेप्टिक अल्सर की बात करें, इरोजन और ब्रेकडाउन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट या वी कैसे जीआई ट्रैक्ट का सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज अ म्यूकोजा। ओके फाइन। अब एग्जैक्टली यदि पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर जो है फर्दर दो में क्लासिफाइड होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पहले मैंने लिखा गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों ड्यूडिनल अल्सर। हमें इस पे बनने वाले क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, सपोज दिस इज योर ईसोफेगस, दैट इज योर स्टोमक, देन वी कैन से दैट इज अ ड्यूडिनम। सबसे पहले आपने देखा ये आपका यहाँ पर ईसोफेगस है, देन स्टोमक है, देन ड्यूडिनम है। दूसरी बात, स्टोमक के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों कार्डिया, दैट पोर्शन वी कैन से कार्डिया। फिर हमने पढ़ा था फंडस, जिसका काम था टू कलेक्ट डाइजेस्टिव गैसेस। फिर हमने पढ़ा बच्चों बॉडी ऑफ स्टोमक। लास्ट में हमने पढ़ा बच्चों दैट इज अ पाइलोरस। और पाइलोरस वो पार्ट था जो किससे जुड़ रहा था ड्यूडिनम। ओके फाइन। अब मैंने दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ बच्चों, एक हम पढ़ेंगे ड्यूडिनल अल्सर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान से देखना। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, ड्यूडिनल अल्सर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, गैस्ट्रिक अल्सर का कार्डिनल साइन कौन होगा, इंडिकेटिव साइन कौन होगा, ड्यूडिनल अल्सर का कार्डिनल और इंडिकेटिव साइन कौन होगा। लगभग 4 से 5 एमसीक्यू यहां पर बनेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना बच्चों। पहले मैंने क्लियरली मेंशन किया, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी गैस्ट्रिक अल्सर। अब दोनों को कंपेयर करें तो गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल में ड्यूडिनल मोस्ट कॉमन है, तो गैस्ट्रिक अल्सर लगभग 15% होता है। कॉमनेस्ट साइट इज पाइलोरस एंट्रम। हियर यू कैन सी ये आपका पाइलोरस है, और पाइलोरस के अंदर ये जो पोर्शन है दैट वी कैन से पोर्शन, ये पाइलोरिक एंट्रम है बच्चों, पाइलोरिक एंट्रम है। और पाइलोरिक एंट्रम जो है ये मोस्ट कॉमन साइट किसका बच्चों, गैस्ट्रिक अल्सर। क्यों है ध्यान से देखिएगा, क्यों है? क्योंकि जब भी फूड मटेरियल ईसोफेगस स्टोमक में आएगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कहां पहुंचेगा, आगे की ओर जाएगा, फर्दर जाएगा। तो ये स्टोमक का एंड पार्ट जो दिख रहा है उसको पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। तो जो एससीएल का एक्सेसिव सिक्रीशन हुआ, पेप्सिनोजन का एक्सेसिव सिक्रीशन हुआ, वो सिक्रीशन जाकर के कहां पर कलेक्ट हुआ, वो पाइलोरस में कलेक्ट हुआ। और पाइलोरस के एंड पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं एंट्रम, दैट वी कैन से पाइलोरिक एंट्रम। और यहां पर जाकर के एससीएल क्या करेगा, इनर मोस्ट लेयर को इरोज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो सिंपल इट इज, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप गैस्ट्रिक अल्सर। ये गैस्ट्रिक वर्ड कहीं भी आता है तो समझ जाना बच्चों स्टोमक की हम बात करें, दैट वी कैन से गैस्ट्रिक वर्ड। तो मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप गैस्ट्रिक अल्सर, तो आपको आंसर लिखना पाइलोरस एंट्रम, ऑप्शन में लिखा होगा कार्डिया, ऑप्शन लिखा होगा फंडस, ऑप्शन लिखा होगा बॉडी, ऑप्शन लिखा होगा पाइलोरिक एंट्रम। तो आपको सही आंसर क्या पुट करना बच्चों, पाइलोरस एंट्रम। याद रखिएगा जब भी एक्सेसिव सिक्रीशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से किस तरफ मूव करेगा,
टूवर्ड्स योर फर्दर ऑर्गन। तो स्टोमक के बाद में फर्दर आपका ड्यूडिनम है, तो ड्यूडिनम की तरफ जाएगा। तो ड्यूडिनम एंटर होने से पहले वाला जो पार्ट है दिस एंट्रम, उस किसका पार्ट है? पाइलोरस का। तो हम क्या बोल सकते हैं? पाइलोरिक एंट्रम। और ये मोस्ट कॉमन साइट किसकी है? ये मोस्ट कॉमन साइट है गैस्ट्रिक अल्सर। और दोनों के कंपेरिजन में गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो आउट ऑफ 100 कितना मिलता है बच्चों? 15%। कितना मिलता है? 15%। ठीक, सेकंड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर मैंने और मेंशन किया है, ड्यूडिनल अल्सर, दैट इज 80%। तो क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन क्या बनेगा? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो आपको आंसर क्या लिखोगे? ड्यूडिनल अल्सर। आंसर क्या लिखोगे? ड्यूडिनल अल्सर, क्योंकि ड्यूडिनल 80% है और गैस्ट्रिक जो 15% है। तो याद रखना, अब ड्यूडिनल मोस्ट कॉमन क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फर्दर सब्सटेंस किस तरफ जाएगा बच्चों? ड्यूडिनम। आपको अच्छे से पता होगा, जैसे ही आपका ये HCl ड्यूडिनम एंटर करेगा तो ड्यूडिनम में प्रेजेंट इनर मोस्ट लेयर को डैमेज करने की कोशिश करेगा। अगेन यू कैन सी दैट इज इसोफेगस, दैट इज अ स्टोमक। और वी कैन से दिस वन द ड्यूडिनम। ये आपका ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्योंकि ड्यूडिनम जो है वो फर्दर चार पार्ट में डिवाइड होता है, फर्दर चार पार्ट में। दैट वी कैन से फर्स्ट पार्ट, दैट वी कैन से सेकंड पार्ट, दैट वी कैन से थर्ड पार्ट, दैट वी कैन से फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, सेकेंड पार्ट की बात करें ये 7.5 सेंटीमीटर होगा, थर्ड पार्ट की बात करें 10 सेंटीमीटर होगा, फोर्थ पार्ट की बात करें 2.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर एवरीबॉडी? ड्यूडिनल अल्सर की कॉमन साइट मिलेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि ड्यूडिनल अल्सर कॉमनली कहां डिटेक्ट होता है? ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट, क्योंकि यहां पर जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। यहां से सब्सटेंस किसमें एंटर करेगा? ड्यूडिनम है। और ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वहां पर ड्यूडिनल अल्सर कॉमनली फाइंड आउट होगा, ड्यूडिनल अल्सर कॉमनली फाइंड आउट होगा। तो यहां पर 4 MCQ बनते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बनेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो आपको आंसर लिखना है ड्यूडिनल अल्सर। दूसरा बनेगा कि गैस्ट्रिक अल्सर कितना परसेंट होता है? 15%। गैस्ट्रिक अल्सर की कॉमन साइट क्या? पाइलोरस एंट्रम। ड्यूडिनल अल्सर की कॉमन साइट क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से पूछा जा सकता है बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब पेप्टिक अल्सर कभी कभी जो है इसोफेगस में एंटर कर जाता, वी कैन से बैरेट अल्सर। देखिए कैसे, ये आपका इसोफेगस था, ये आपका स्टोमक था, देन ड्यूडिनम। अब जो HCl स्टोमक में एक्सेसिव प्रेजेंट है, ये कभी कभी रिवर्स बैक जाएगा और कहां बार बार एंटर करेगा? इनटू द इसोफेगस। और इसोफेगस में क्या डेवलप कर देगा? अल्सर। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बैरेट अल्सर। क्या बोलते हैं? बैरेट अल्सर। दैट मीन्स पेप्टिक अल्सर ऑफ इसोफेगस आल्सो कॉल्ड वी कैन से बैरेट अल्सर। मतलब यदि ये पेप्टिक अल्सर इसोफेगस में हो जाता है, और इसोफेगस में होने का रीजन रीगजिटेशन, किसका? HCl का। बार बार रीगजिटेशन होकर HCl कहां पहुंचेगा? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में पहुंचेगा और वहां जाकर अल्सर कॉज करता है, उसको बैरेट अल्सर बोलते हैं बच्चों। एग्जाम का क्वेश्चन है बैरेट अल्सर। गेट इट एवरीबॉडी? तो यहां तो मैंने सिंपली आपको बताया कि मेन 2 टाइप्स का होता है, गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल। ये 2 क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहां पर मेंशन किया, विच इज बिलोंग फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर। ओके फाइन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। हम जब अल्सर की बात करें, पेप्टिक अल्सर की बात करें, 2 चीजें हमने यहां पर क्लियरली पढ़ लिया, बैरेट अल्सर भी पढ़ लिया, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जिसको मैंने मेंशन किया है, कुशिंग अल्सर और वी कैन से रोकिटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, कुशिंग अल्सर क्या होगा, रोकिटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना। और मैंने यहां पर ये भी मेंशन किया है, इट्स अ गैस्ट्रिक अल्सर एसोसिएटेड विद द एलिवेटेड ऑफ ICP। ये भी गैस्ट्रिक अल्सर है, बट इसका रीजन क्या? ICP का बढ़ना। ये कैसे होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। एग्जाम में पूछते हैं कि कुशिंग अल्सर और रोकिटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो सिंपली याद रखना ये उन पेशेंट में होता है जिनका ICP बढ़ता है। जैसे नॉर्मली हम ICP बढ़ते हैं 5 to 15 mm of Hg, दैट इज अ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल ICP हम कंसिडर करते हैं
5 से 15 mm ऑफ एसजी हम हर जगह पढ़ते हैं। अब क्या हो गया, जब आईसीपी बढ़ा तो आईसीपी बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ब्लड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो सकता है। ये तीन वो पैरामीटर है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो नर्वस सिस्टम में कहीं कहीं इंपेयरमेंट होगा, और यहाँ पर भी वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों, क्योंकि वेगस नर्व यहाँ पर एचसीएल के प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। जैसे आईसीपी बढ़ा, आईसीपी बढ़ने की वजह से, आईसीपी बढ़ने का रीजन लिखा, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है, दैट कैन कॉज वेगस नर्व स्टिमुलेशन। मतलब सीधा जो 10th नंबर का क्रेनियल नर्व था, 10th नंबर का क्रेनियल नर्व था जो किसको नर्व सप्लाई कर रहा था, स्टोमक को, किसको नर्व सप्लाई कर रहा था, स्टोमक को, और ये स्टोमक में एससीएल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में रोल प्ले करता है। आईसीपी बढ़ने की वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट हुआ, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, और गैस्ट्रिक एसिड में यहाँ एससीएल का भी सिक्रीशन बढ़ेगा, यहाँ पेप्सिनोजन का भी सिक्रीशन बढ़ेगा, और जब सिक्रीशन बढ़ेगा बच्चों तो ये क्या कॉज करेगा, ये अल्सर कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, ये अल्सर कॉज करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुशिंग अल्सर, रॉकी टेंस की कुशिंग सिंड्रोम एसोसिएटेड किसके साथ होता है, आईसीपी के बढ़ने के साथ। आईसीपी बढ़ने का रीजन ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी हो सकता है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, दैट कैन कॉज इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर और टू डेवलप अल्सर। तो ये एक एडिशनल है, ये एक एडिशनल टाइप है जहां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फाइन, अब व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पेप्टिक अल्सर, वो कौन कौन से कारण, वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो ये कंडीशन कॉज करते हैं, दैट इज अ पेप्टिक अल्सर। यहां पर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हम यहां पर पढ़ने वाले बच्चों, दैट इज अ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पहली बात तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को हम लोग कभी कभी एच पाइलोरी के नाम से बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में एच पाइलोरी लिखा होता है तो भी हमें राइट मानना है, तो भी हमें राइट मानना है, और सीधा फुल फॉर्म लिखा हुआ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो भी हमें करेक्ट करना, तो भी हमें करेक्ट करना। दूसरा पूछे एच पाइलोरी कौन सा बैक्टीरिया, मैंने मेंशन किया ग्राम नेगेटिव, स्टेफाइलोकोकस है, स्टेप्टोकोकस, ये हम ग्राम पॉजिटिव में पढ़ते, इवन न्यूमोकोकस। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, दो तरीके बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यहाँ पर एच पाइलोरी है। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि एच पाइलोरी का शेप कैसा होता है, तो आपको लिखना है स्पायरल शेप, लाइक दैट स्पायरल शेप, दिस इज द एच पाइलोरी। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का शेप कैसा होता है। तो ये या मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा जिसकी वजह से म्यूकोजल इनर मोस्ट जो लेयर है वो एससीएल के प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो इनर मोस्ट लेयर ब्रेक डाउन होगा, इरोजन हो जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप पेप्टिक अल्सर, टू डेवलप पेप्टिक अल्सर। ओके फाइन, यदि फर्दर कैरी ऑन करेंगे, कुछ रिस्क फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जिसके अंदर एससीएल का प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना होती है। साइड इफेक्ट ऑफ NSAIDs, नॉन स्टीरोइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, बेस्ट एग्जांपल आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर NSAIDs। ये नाम तो सुना होगा बच्चों आपने, पीएचसी सीएचसी में बहुत तरह की पिंक कलर की गोलियां आती है आइबुप्रोफेन, ये NSAIDs का एग्जांपल है, नॉन स्टीरोइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, और ये ड्रग्स गैस्ट्राइटिस भी कॉज करती है बच्चों। ये ड्रग्स किसी पर्सन को हम देंगे तो गैस्ट्राइटिस भी कॉज करती है, और ये ड्रग्स बच्चों पेशेंट को पेप्टिक अल्सर भी कॉज करती है, इस ड्रग का साइड इफेक्ट है। दूसरा, स्मोकिंग, इथेनॉल, बाइल एसिड और एस्प्रिन, अगेन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों एस्प्रिन, जिसको हम कहते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग, दैट वी कैन से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एस्प्रिन, और दैट ऑल्सो कैन कॉज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक सब्सटेंस। स्टीरोइड भी आ गया है, स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर, याद रखिएगा बच्चों, यदि कोई पर्सन तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहा करो, मैं कहता हूँ ना, परिस्थिति जो भी हो अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो, क्योंकि दुखी होने से उजड़े चमन की तरफ बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है।
अपने अकाउंट में कुछ प्लस नहीं होने वाला है। हम जितने दुखी होंगे तो पड़ोसी और आके और स्टिमुलेट कर देगा और दुखी कर देगा, और इतने खुश रहो कि दुनिया में हर कोई देख के खुश हो जाए। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, कभी भी सैड नहीं रहना बच्चों। सैड रहने से, दुखी होने से आज तक जिंदगी में किसी ने ताजमहल नहीं बनाया, ध्यान रखना। किसी ने कुछ हासिल नहीं किया, सिर्फ उसने अपना लॉस ही लॉस किया, अपने आप को और डीमोटिवेट किया, डाउन किया है, कभी उसने प्रोग्रेस नहीं किया। तो परिस्थिति जो भी हो, खुद को खुद पे भरोसा रखना है कि यस मैं इस प्रॉब्लम से निकलूंगा और मैं जो सपना देख रहा हूं उसको पूरा करूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, आपका सपना आप ही पूरा करोगे और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा। और ये आपकी ही जवाबदारी है, आपकी ही जिम्मेदारी है। आप सफल होते हो, आप सक्सेस होते हो ना, तो आने वाली आपकी जो जिंदगी है ना, बहुत खूबसूरत होगी, बहुत खुशियों से भरी होगी। इसलिए हमेशा स्टे हेल्थी। ओके फाइन, स्मोकिंग इथेनॉल बाइल एसिड एस्प्रिस्टिरोड स्ट्रेस लिखा है, उसके अलावा एल्कोहल हो सकता है, देन इन्फेक्शन हो सकता है, देन फैमिली हिस्ट्री पेप्टिकल सर, क्योंकि वन ऑफ द जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। यदि फैमिली में किसी को है तो आने वाली जनरेशन को ये प्रॉब्लम कंटिन्यू कैरी ऑन हो सकती है। जैसे हम कहते हैं MI फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, क्योंकि फैमिली में किसी को है तो हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर की बात करें, PKD की बात करें, ऐसे बहुत सारे डिजीज हम पढ़ते हैं। बट यहाँ याद रखिएगा, दीज आर द स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पेप्टिक अल्सर, बट मेन यहाँ पर कॉज कौन है, एच पाइलोरी और वीकर से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ, मैं आगे इन्वेस्टिगेशन जब आपको पढ़ाऊंगा इस डिजीज कंडीशन पे, तो एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने वाले स्पेसिफिक टेस्ट हम पढ़ेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट के, स्पेशली पेशेंट के स्टोमक के अंदर एच पाइलोरी प्रेजेंट है कि नहीं। लेटर वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो गुड न्यूज आप लोगों के लिए, क्लास को कैरी ऑन करते हुए बच्चों, CRPF स्पेशल कोर्स, आपके अपने टीम JINC के द्वारा प्रिपेयर किया गया स्पेशल कोर्स, CRPF स्पेशल वीडियो बेस्ड कोर्स, जिसमें सबसे खास बात यहां पर मैथ्स और रीजनिंग। याद रखिएगा, CRPF में मैथ्स और रीजनिंग का एक बड़ा पार्ट आने वाला है, लगभग 40-45% रीजनिंग और मैथ्स आएगा, और रीजनिंग मैथ्स कंप्लीट इस सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। और ये कोर्स को परचेज करने के लिए 1499 आपको पे करना होगा, और नर्सिंग के साथ साथ रीजनिंग मैथ्स इस कोर्स में अवेलेबल है, और इस कोर्स को परचेज करके आप अपने CRPF का सपना पूरा कर सकते हो। तो इस कोर्स को परचेज करने के लिए हमेशा की तरह प्ले स्टोर पे जाना होगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करना है और इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और कोर्स को परचेज करने के बाद पहले वीडियो को सुनना है, फिर सेल्फ नोट्स बनाने हैं, और धीरे धीरे आप अपने आप को इस इम्पॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए थी बच्चों, जो लगातार आपकी डिमांड JINC परिवार से की जा रही है। हम कोशिश करें हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा कि हाउ दैट कंडीशन विल डेवलप। अब कैसे पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है, सिंपल, ड्यू टू इटियोलॉजी। कौन है इटियोलॉजी बच्चों? एच पाइलोरी। इटियोलॉजी कौन है? एच पाइलोरी हो सकता है, उसके अलावा NSAIDS हो सकता है, एस्प्रिन हो सकता है, स्मोकिंग एल्कोहल हो सकता है। इन सब की वजह से ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकोजल बैरियर। और म्यूकोजा क्या है? इनर मोस्ट लेयर है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर किसका? GI ट्रैक्ट का इनर मोस्ट लेयर है। Then can cause excessive secretion of HCl, it directly enter into the mucosa. अब क्या होगा, HCl का secretion बढ़ेगा, किसकी वजह से बढ़ेगा? ब्रेकडाउन, म्यूकोजल बैरियर ब्रेकडाउन हुआ तो एक्सेसिव HCl का secretion होगा, वो कहाँ एंटर कर जाएगा? mucosal layer में एंटर करेगा। Then injury to the tissue can develop ulcer that can cause cellular destruction and inflammation into the stomach. That condition will, we can say, that is a peptic ulcer. That is a peptic ulcer. तो etiological factor mainly H. pylori है, वो breakdown करता mucosal barrier को, जिसकी वजह से HCl का production excessive होता है, वो directly enter करेगा mucosa, then can cause injury to the tissue, resulting cellular destruction or inflammation. तो ये simple way है
पेप्टिक अल्सर, या स्टोमक में होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, या ड्यूडिनम में होगा तो हम ड्यूडिनल अल्सर बोलेंगे, या इसोफेगस में होगा तो हम बैरेट अल्सर बोलेंगे, और ये आईसीपी बढ़ने की वजह से होगा तो हम कुशिंग अल्सर बोलेंगे। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पुट किया, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम लोग दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर के सिम्टम अलग होगा, ड्यूडिनल अल्सर के सिम्टम अलग होगा। एग्जाम पर्पज ऑफ यू से दोनों का ड्यूरेशन, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। या क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम पेप्टिक अल्सर पढ़ रहे हैं तो पेप्टिक अल्सर में क्लासिफिकेशन के सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज मैंशन हियर, गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब बच्चों अल्सर कहां पर, स्टोमक में। अल्सर कहां पर है, स्टोमक में। और स्टोमक में अल्सर है तो पेशेंट को पेन होगा, नोविंग पेन। नोविंग का मतलब हम कहते हैं ना मीठा मीठा दर्द हो रहा है, हमें टेस्ट नहीं आता है, बट मीठा मीठा दर्द का मतलब हम उस दर्द को सहन कर पा रहे हैं, हम उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, बट इतना पैनिक नहीं होता है। तो नोविंग पेन, शार्प पेन होगा, इज इन और लेफ्ट, देखना बच्चों, इन और लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, अकर 30 to 60 मिनट आफ्टर मील। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका स्टोमक में, सपोज ये इसोफेगस, ये आपका स्टोमक, दैट इज अ ड्यूडिनम, दैट इज अ ड्यूडिनम। अब हम देखें, आप एब्डोमन की रीजन की बात करें, एब्डोमन की रीजन की बात करें, सपोज एब्डोमन डज हैव 9 रीजन, दैट एवरीबडी नो Here you can see, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। आपको अच्छे से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये इस तरफ आपका जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया होगा, दैट रीजन वी कैन से एपिगैस्ट्रिक, दैट रीजन वी कैन से एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर आपका राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, देन अम्बिलिकल, देन अम्बिलिकल, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, देन हाइपोगैस्ट्रिक, देन हाइपोगैस्ट्रिक। अब मैंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का सीधा सा मतलब है अल्सर कहाँ पर बच्चों, स्टोमक। अल्सर कहाँ पर है, स्टोमक में, आपका स्टोमक है। अब यदि स्टोमक के अंदर अल्सर होगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नोविंग शार्प पेन इन और लेफ्ट ऑफ द मिड एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट ऑफ द मिड एपिगैस्ट्रिक, मतलब ये आपका जो मिड एपिगैस्ट्रिक है, मिड एपिगैस्ट्रिक के लेफ्ट साइड में, क्योंकि एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, स्टोमक जो है मिड एपिगैस्ट्रिक से थोड़ा लेफ्ट में होता है, थोड़ा लेफ्ट में होता है, तो मिड एपिगैस्ट्रिक में होगा, बट लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक का मतलब वो दर्द का और स्टोमक। एग्जैक्टली मिड एपिगैस्ट्रिक का मतलब होगा वो ड्यूडिनम में पेन होगा। तो यहां पर क्लियरली लिखा है, ये आपको ऑलमोस्ट पोर्शन कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, दैट वीक एस ए ड्यूडिनम, दैट वीक एस ए ड्यूडिनम। तो यहां तक हम स्टोमक मानेंगे, यहां पर हम स्टोमक मानेंगे, तो ये मिड एपिगैस्ट्रिक के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, इसका मतलब दर्द स्टोमक में हो रहा है, और ये पेन कब हो रहा है, दैट विल बी 30 to 60 मिनट आफ्टर मील। और जब खाना खाओगे तो दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टोमक के अंदर 1.5 लीटर की कैपेसिटी हमने पढ़ा। जब आप फूड को इनटेक करोगे तो ये पेन और सीवियर होगा, पेन और सीवियर होगा। दूसरा, अब यदि इस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग हो रहा है तो ये ब्लड जो है ये वॉमिटिंग के साथ बाहर आएगा, क्योंकि अपर जीआई ट्रैक्ट का डिजीज है, वॉमिटिंग के साथ बाहर आएगा, और जब वॉमिटिंग के साथ ब्लड बाहर आता है उसको हम हेमेटेमेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटेमेसिस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पहली बात मैं यह क्लियर कर देता हूं, यदि पेशेंट को लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, और खाना खाने के 30 to 60 मिनट्स के बाद में यदि पेशेंट को पेन हो रहा है, खाना खाने के बाद पेन और सीवियर हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट के स्टोमक में अल्सर है, स्टोमक में अल्सर है। वही हम फर्दर देखें, सेकंड वन ड्यूडिनल अल्सर, बर्निंग पेन होगा, जलन वाला दर्द होगा, अकर इन मिड एपिगैस्ट्रिक, एग्जैक्टली जो मिड एपिगैस्ट्रिक का रीजन होगा, यहां पर यदि पेन हो रहा है इसका मतलब पेशेंट को यहां पर पोर्शन कौन सा आ गया, ड्यूडिनम, कौन सा पोर्शन आ गया, ड्यूडिनम। तो सिंपली यू कैन सी बर्निंग पेन अकर इन द मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन लगभग 1.5 to 3 आवर आफ्टर मील एंड ड्यूरिंग नाइट, खाना खाने के
डेढ़ से तीन घंटे बाद। ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि पेशेंट को ड्यूडिनल अल्सर है तो खाना खाने के कितने टाइम बाद पेन होगा, डेढ़ से तीन घंटे। और इस तरीके के पेन को सबसाइड करने के बाद, मतलब पेशेंट खाना खाएगा तो यहाँ दर्द में आराम मिलेगा। क्यों आराम मिलेगा? ये फूड के 1.5 to 3 hours के बाद पेन होता है। पेशेंट फूड खाएगा तो ये फर्दर मूव करेगा और फर्दर मूव करने की वजह से ये ड्यूडिनम के अंदर जो पेन हो रहा था वो सबसाइड हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। और यदि पेशेंट के ड्यूडिनम में ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग कहाँ जाएगा? जिजुनम में जाएगा, जिजुनम से इलियम में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बाहर निकलेगा। मतलब पेशेंट को क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? मेलिना। पेशेंट को क्या प्रेजेंट होगा? मेलिना प्रेजेंट होगा, याद रखना मेलिना। क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मेलिना किस में प्रेजेंट होता बच्चों? दैट इज अ ड्यूडिनल, ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर वाला पेशेंट है तो होगा मेलिना। और गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है तो होगा बच्चों हेमेटेमेसिस, तो होगा हेमेटेमेसिस। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको जानना बहुत जरूरी होगा। सीधा एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, मिड एपिगैस्ट्रिक के लेफ्ट साइड में पेन गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, मिड एपिगैस्ट्रिक में पेन ड्यूडिनल अल्सर में होता है। खाना खाने के 30 टू 60 मिनट के बाद पेन गैस्ट्रिक अल्सर में होता है। खाना खाने के 1.5 से 3 घंटे बाद पेन ड्यूडिनल अल्सर में होता है। खाना खाने के बाद पेन और खाना खाओगे तो सीवियर गैस्ट्रिक में होगा। यदि ड्यूडिनल अल्सर है तो खाना खाओगे तो पेन में रिलीज मिलेगा। स्टोमक में यदि अल्सर है तो वोमिटिंग के साथ ब्लड आएगा। ड्यूडिनम यदि अल्सर है तो स्टूल के साथ ब्लड आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद जानना जरूरी होगा। ये दो मेन टाइप हम लगातार स्टडी करते जा रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और वीकेंड से ड्यूडिनल अल्सर। इसके अलावा और क्या हो सकता है? पायरोसिस। मैंने आपको ZERD में पढ़ाया था बच्चों, ZERD में पढ़ाया था, जैसे पायरोसिस वीकेंड से हर्ट बर्न, और ये ज्यादातर ड्यूडिनल अल्सर में मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और वाटर ब्रश, ये जानना बहुत जरूरी है क्या टर्म्स है वाटर ब्रश। रीगर्जिटेशन ऑफ सोर फ्लूइड इनटू द माउथ, मतलब क्या हुआ वाटर ब्रश का? मतलब ये आपका इसोफेगस, ये आपका स्टोमक, और स्टोमक में ये पर अल्सर, ये वाला अल्सर वाला जगह है, और जहाँ अल्सर होंगे वहां से क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। और ये वाटर जो है ये यदि रीगर्जिटेड होके कहाँ पहुंच गया? माउथ में। कहाँ पहुंच गया? माउथ में। दैट मैकेनिज्म वी कैन से वाटर ब्रश, वाटर ब्रश। मतलब क्या होगा? वाटर कहाँ से आ रहा? जहाँ अल्सर हो रहे वहां से जो फ्लूड निकलेगा वो रीगर्जिटेड होके माउथ में आएगा, दैट वी कैन से वाटर ब्रश। और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर ब्रश का मीनिंग क्या होता है? रीगर्जिटेशन ऑफ सोर फ्लूड, सोर का मतलब होता है वुंड, सोर का मतलब होता है बच्चों वुंड बोल सकते हो, घाव बोल सकते हो, फ्लूड इन टू द माउथ। ओके फाइन। अब यदि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पता चल गया तो फाइनली वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन। हम कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था? पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहां पर करना होगा। बच्चों नोट्स को नोट आप वीडियो सुनने के बाद करना ताकि आपकी क्लास और इफेक्टिव हो। कुछ बच्चे साथ साथ लिखने में ट्राई कर रहे हैं, साथ साथ लिखने से आपको याद कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा कि हाँ मैंने नोट्स बना लिए। पूरा वीडियो सुनना है, समझना है, देन सेल्फ नोट्स बनाने हैं। 50% तो काम यही हो जाएगा सिलेक्शन का, 30% काम नेगेटिव मार्किंग रोकने से हो जाएगा, अपने को 20% वर्क करना वो रिविजन में हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जब आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, जब आप वीडियो को सुन रहे हो, तो नोट्स बनाने की कोशिश ना करें। एटलीस्ट एक टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा तो आपका एक फ्रेम बन जाएगा, और वो फ्रेम बताएगी कि आपका कॉज क्या है, सिम्टम क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर आप नोट्स बनाओगे तो आप अपनी लैंग्वेज में इफेक्टिव तरीके से नोट्स बना सकते हो, और जब नोट्स पूरे बन जाएंगे उस टॉपिक के तो मुझे नहीं लगता वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। सीधा आप फिर रिविजन क्लासेस में, रिविजन में जाके पढ़ सकते हो। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं मान सकता हूं कि जब भी रिकॉर्डेड क्लास होती है तो वीडियो में कंटेंट काफी होता है, डेफिनेटली ज्यादा होता है, बट इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तो आपके जेएनसी की है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा पेशेंस रख करके इस कंटेंट को अच्छे से नोट डाउन करने की कोशिश करें,
आपके अच्छे नोट्स होंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। और कल मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कहीं टीचिंग करवाएंगे तो उनको टीच करने में भी मजा आएगा, इतना कुछ होगा उनके पास कि उनको बुक्स रेफर नहीं करनी पड़ेगी। ओके फाइन, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले मुझे लगा यूरिया ब्रीथ टेस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। मैं क्लियर मेंशन कर देता हूं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट हम एच पाइलोरी के प्रेजेंस को पता लगाने के लिए करते हैं। मैं पूरा मैकेनिज्म यहां पर बताऊंगा। यूरिया ब्रीथ टेस्ट पे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ चुका है कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्यों करते हैं। मैं क्लियर मेंशन करता हूं, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी। ये कैसे टेस्ट करते हैं, शॉर्टली वी आर गोइंग टू सी। अब एच पाइलोरी का पता लगाने के जो हम टेस्ट कर रहे हैं, इस टेस्ट का पर्पस सबसे पहले क्या, एच पाइलोरी क्या करता है, प्रोड्यूस एंजाइम इज कॉल्ड यूरियास। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका था इसोफेगस, ये आपका स्टोमक। यदि एच पाइलोरी ने स्टोमक में एंटर किया, एच पाइलोरी स्टोमक में एंटर किया, ये स्टोमक में जाकर के एक एंजाइम को रिलीज करेगा, उस एंजाइम का नाम होगा बच्चों यूरियास। ये एंजाइम क्या करेगा, उस स्टोमक में प्रेजेंट यूरिया और अमोनिया, दैट विल बी ब्रेक डाउन यूरिया इन टू द अमोनिया एंड CO2। मतलब यहां पर जो यूरिया प्रेजेंट है, यहां पर जो यूरिया प्रेजेंट है उसको ब्रेक करेगा, उसको ब्रेक करेगा और क्या बना देगा, अमोनिया। क्या बना देगा, अमोनिया, और दूसरा बच्चा लिखो CO2। क्या लिखा है, CO2। ये दो तरह की गैस बनती है। मतलब सीधा है कि यदि आपके स्टोमक के अंदर एच पाइलोरी प्रेजेंट है तो एच पाइलोरी क्या करेगा, एक एंजाइम को सिक्रीट करेगा जिसका नाम है यूरियास। ये यूरियास उस स्टोमक में प्रेजेंट यूरिया को क्या करेगा, ब्रेक डाउन। क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। और ये स्टोमक में मैंने क्लियर कहा था कि पेप्सिनोजन का काम ही क्या था, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर यूरियास क्या करेगा, यूरिया को ब्रेक करेगा, और यूरिया को जब ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, अमोनिया और CO2। क्या बनेगा, अमोनिया और CO2 बनेगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब हमें पता लगाना है अमोनिया और CO2 की प्रेजेंस का। हमें क्या पता लगाना है कि क्या रियल में पेशेंट के स्टोमक में एच पाइलोरी पता है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो ये गैस आइडेंटिफाई होगा। कैसे करते, ध्यान से देखिएगा कैसे करते बच्चों। हमने बलून लिया। नंबर एक, फर्स्ट, सबसे पहले हमने एक बलून लिया। पेशेंट को क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, क्लाइंट कंज्यूम कैप्सूल ऑफ कार्बन लेबल यूरिया एंड प्रोवाइड ब्रीथ सैंपल 10 to 20 minutes later। अब क्या होगा बच्चों, हमने एच पाइलोरी की प्रेजेंस का पता लगाना था। एच पाइलोरी क्या करता है वो मैंने क्लियर कर दिया। एच पाइलोरी एक एंजाइम को सिक्रीट करता है, इसका नाम है यूरियास। वो स्टोमक में जाके यूरिया को ब्रेक डाउन करता है और क्या बनता है, अमोनिया और CO2। हमने क्या किया, उस पेशेंट को कार्बन लेबल यूरिया की टैबलेट को एडमिनिस्टर किया। भाई टैबलेट अंदर एडमिनिस्टर किया, उसके बाद हमें देखना है कि यदि अंदर यूरियाज है तो यूरिया को तोड़ेगा और क्या बना देगा, अमोनिया और CO2। तो हमने पेशेंट को यूरियाज की टैबलेट को एडमिनिस्टर किया और ब्रीथ सैंपल लिया 10 to 20 minutes later। 20 मिनट लेटर उस पेशेंट का ब्रीथ को चेक किया, यदि ब्रीथ में CO2 और अमोनिया प्रेजेंट है, इसका मतलब सीधा है कि आपके स्टोमक में एच पाइलोरी प्रेजेंट है, एच पाइलोरी प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट में हमने क्या कि बलून लिया, और इस बलून में हमने क्या किया बच्चों, पेशेंट की ब्रीथ को कलेक्ट किया, फर्स्ट बलून। उसके बाद पेशेंट को क्या दिया, एडमिनिस्टर यूरिया टैबलेट, अराउंड दैट विल बी एडमिनिस्टर यूरिया टैबलेट। देने के अगेन 10 to 20 minutes After 10 to 20 minutes, एक और बलून लिया और उस बलून में पेशेंट का ब्रीथ को कलेक्ट किया, नंबर दो बलून। इफ सेकेंड बलून में CO2
एंड अमोनिया, अमोनिया यदि प्रेजेंट है सेकेंड बलून में, इसका मतलब एच पाइलोरी प्रेजेंट है, एच पाइलोरी प्रेजेंट है। पहला बलून जिसमें पेशेंट का ब्रीथ को कलेक्ट किया, फिर पेशेंट को यूरिया की टेबलेट दी, यदि पेशेंट के स्टोमक में एच पाइलोरी होगा तो ये यूरियाज को किस में कनेक्ट कर देगा बच्चों, कन्वर्ट कर देगा CO2 में और अमोनिया में। तो दूसरे बलून में जब हमने एयर कलेक्ट किया और उसमें ये दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब सीधा है कि आपके स्टोमक में एच पाइलोरी प्रेजेंट है जो यूरिया को किस में कन्वर्ट कर रहा है, CO2 और अमोनिया। तो ये टेस्ट वी कैन से विल यूज टू फाइंड आउट, या मैंने क्लियर मेंशन किया है, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी स्टोमक, मतलब इस टेस्ट का मेन पर्पज है कि स्टोमक में एच पाइलोरी की प्रेजेंस का पता लगाना है। तो कौन सा टेस्ट करेंगे बच्चों, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, कौन सा टेस्ट करेंगे, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। कभी कभी हम इस पेशेंट को एच पाइलोरी है तो एक और टेस्ट करते हैं बच्चों, एच पाइलोरी ऑल्सो कैन बी डिटेक्टेड बाय द असेसिंग सीरम एंटीबॉडी लेवल। हम इसको सीरम एंटीबॉडी के लेवल, सीरम एंटीबॉडी लेवल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक अदर सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन एच पाइलोरी का पता लगाने के लिए, बट एग्जाम में आपको यूरिया ब्रीथ टेस्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे। और मैं मेंशन कर देता हूं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। तो ये इन्वेस्टिगेशन था जिसका काम था एच पाइलोरी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। नेक्स्ट फर्दर कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट मैंने यहां पर मेंशन किया बच्चों, हम एच पाइलोरी जो डिटेक्टर होता है, डिवाइस जो लग रहा है जिसमें हम एयर को कलेक्ट करते हैं, आजकल इस तरीके का डिटेक्टर आने लगा है और जिसका पर्पज होता है टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ द एच पाइलोरी। तो इसी में पेशेंट का एयर को कलेक्ट किया जाता बच्चों, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, फीकल ऑकल्ट ब्लड। पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट का मेन पर्पज होता है, ध्यान से देखना बच्चों, फाइंड आउट प्रेजेंट ऑफ ब्लड विथ स्टूल। मतलब यदि पेशेंट के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है तो हमें कौन सा टेस्ट करना बच्चों, फीकल ऑकल्ट ब्लड। ये और डाइजेस्टिव ट्रैक के फर्दर डिजीज में भी हम इसको पढ़ेंगे कि विच इज द इन्वेस्टिगेशन विल हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट ऑफ ब्लड विद द स्टूल। तो आपको आंसर लिखना होगा फीकल ऑकल्ट ब्लड। और फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, प्लेसिंग ए फीकल सैंपल ऑन ए ग्वाइक पेपर, ऑन ए ग्वाइक पेपर। देखिए यहां पर जो ये पेपर दिख रहा है, That we can say guaiac paper. ये जो सैंपल जिस पे ले रहे हैं, that we can say guaiac paper. And apply H2O2 in a presence of blood, a blue reaction product within second. हमने क्या किया? हमने guaiac paper लिया. इस guaiac paper पे क्या place किया? Stool को put किया. Stool को put किया. Put करने के बाद में, further हमने किसको put किया? H2O2 को put किया. H2O2 को जैसे ही हमने पुट किया तो यहाँ पर रिएक्शन कॉज हुआ, यहाँ पर रिएक्शन कॉज हुआ। और रिएक्शन कॉज होने के बाद में यदि ग्वाइक पेपर जो है वो ब्लू कलर, ये जो ग्वाइक पेपर जो है ये यदि ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका मतलब सीधा है कि उस पेशेंट के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है, स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है। दैट टेस्ट, दैट इन्वेस्टिगेशन वी कैन से स्टूल ऑकल्ट ब्लड। ग्वाइक पेपर पे स्टूल, स्टूल पे हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2, दोनों का रिएक्शन और पेपर का कलर चेंज होगा। पेपर का कलर यदि ब्लू कलर है तो सिंपली आप समझ आना उस पेशेंट को स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस है। द टेस्ट वी कैन से स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के नाम से, या फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। और याद रखना, डू नॉट ईट रेड मीट फॉर एटलीस्ट 3 डे बिफोर कलेक्टिंग स्पेसिमेन। यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है बच्चों, यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो यदि इस टेस्ट को करवाना जा रहा है तो रेड मीट को अवॉइड करना, अदरवाइज उस पेशेंट का स्टूल ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ जाएगा। रेड मीट जो है अगले 2 से 3 दिन तक आपके स्टूल में प्रेजेंट रहती है और वो यदि है स्टूल में तो कलर चेंज होगा, ब्लू कलर आएगा और ये टेस्ट पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। मेन इस टेस्ट का पर्पज हमने देखा कि यदि पेशेंट को स्टूल में ब्लड है और स्टूल में ब्लड किसमें था बच्चों, ड्यूडिनल अल्सर, किसमें था? ड्यूडिनल अल्सर, जिसमें मैंने आपको मेलिना पढ़ाया था। तो यदि पेशेंट को ड्यूडिनल अल्सर है तो तुरंत पता चल जाएगा स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन डियर नर्सेस को पेशेंट को देना है कि रेड मीट को अवॉइड करना है 2 to 3 days टेस्ट कंडक्ट करने से पहले। गेट इट एवरीबॉडी। तो पहला जो इन्वेस्टिगेशन हमने यहाँ पर पढ़ा था जिसका नाम था बच्चों एच पाइलोरी ब्रीथ टेस्ट,
नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन मैंने पुट किया इसका नाम है फीकल ऑकल्ट ब्लड। पहले वाला इन्वेस्टिगेशन एच पाइलोरी को डिटेक्ट कर रहा है, फीकल ऑकल्ट ब्लड स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है। यहां पर हम ग्वाइक पेपर का यूज करें, किसका यूज करें बच्चों। फाइनली इस क्लास को फिनिश करने से पहले JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किए गए स्पेशल बुकलेट, इन बुकलेट के अंदर नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, बेसिक और एनक्लेक्स पैटर्न दिया हुआ है, प्लस इमेज बेस जितने भी क्वेश्चन बनते हर यूनिट टॉपिक वाइज इमेज यहां पर पुट किया हुआ है। JINC परिवार से जुड़ने के लिए, JINC के नोट्स को परचेज करने के लिए आपको बच्चों 1599 पे करना होगा, और इसके लिए आपको JINC की वेबसाइट पे जाना होगा, और JINC की वेबसाइट पे जाकर के, वेबसाइट JINC की जो रहेगा बच्चों www.jinc-jodhpur.com, और वेबसाइट पे जाकर के इस स्पेशल नोट्स को आप परचेज कर सकते हो। और ये जो नोट्स होंगे ये पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। बस जुड़िए JINC परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास यहीं फिनिश करें, अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक डिलीवर करने की, जहां पर पेप्टिक अल्सर का इनिशियल पार्ट हमने पढ़ा और इस टॉपिक पे बनने वाले सारे MCQ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप तक पुट करने की कोशिश की। अपने इस कोविड महामारी में अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, स्पेशली याद रखना बच्चों अपने माँ बाप का ख्याल रखना ना भूलें, कभी किसी का बुराई मत करना, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, हो सके तो किसी का भला करना। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मैं फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। और याद रखना बच्चों, यदि रियली आपको ये क्लास अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अपने JINC को हर उस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाना जो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है, तो JINC उसके घर तक पहुंचेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, कर फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।